हाँ जी पेज से भाई हम बना रहे हैं क्या कलेक्शन कर रहे तो जहाँ पे हमने आखिरी वीडियो का इख्तिताम किया था वहाँ पे आपने देखा था कि हमारा रस्ता रुकाई की रस्म के जो पैसे थे वो सारी बच्चियों में हमने बराबर बराबर तकसीम करने थे। 9 बच्चियाँ थीं मारिया को मिला के। मारिया जो है मरियम की सगी बहन है और बाकी सारी 8 कज़न्स थीं, तो इनको मैंने बराबर बराबर तकसीम कर दिए। और बच्चे आपको पता है बहुत एक्साइटेड होते हैं ऐसे मामलों में, क्योंकि आजकल के बच्चे वो नहीं है। जिस ज़माने में बच्चों को कुछ पैसे मिलते थे तो वो माएँ रख लिया करती थी, आजकल के बच्चों के पैसों का मतलब है कि वो बच्चों के ही पैसे हैं और उन्होंने ही इस्तेमाल करने हैं, माँ बाप का उन पैसों पे कोई हक नहीं होता। तो अब माशाल्लाह बच्चे जब वैसे भी बड़े हो जाते हैं तो वो माएँ उनको उतना बेवकूफ़ नहीं बना सकती जैसे बचपन में बना लेती हैं। यहाँ पे मैंने सारे पैसे जो हैं वो उन बच्चियों में बराबर तकसीम कर दिए और बच्चे जो हैं वो अपना हिस्सा लेके अलहदा हो गए और अगली रस्म के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि ये रस्में जो हैं ये बहुत ही एक्साइटमेंट का बायस होती हैं, कभी कभार होती हैं शादियों पर, लेकिन बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। यहाँ आ गई है हमारी दुल्हन, ये देखें जी माशाल्लाह। जिसका शादी पे आए मेहमानों को सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है और वो लम्हा क्या होता है जब खाना मिल जाता है, क्योंकि लोग अगर खाना बहुत डिले हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। शादी पे आए लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं क्योंकि जो गेस्ट आए हुए होते हैं उन्होंने थोड़ी देर के बाद फिर घरों को भी वापस जाना होता है और स्पेशली छोटे बच्चे अगर साथ हों तो बहुत तंगी होती है। तो खाना जो है वो बहुत टाइम से सर्व हो गया था, क्योंकि आजकल आपको पता है कि शादी हॉल्स वगैरह जो हैं उन सब की टाइमिंग भी फिक्स्ड होती है और 10 बजे के बाद वो लाइट्स ऑफ करना शुरू कर देते हैं, तो टाइमली ही खाना सर्व कर दिया गया। यहाँ पे दुल्हन जो है उसकी भी साइड पे टेबल लगा दी गई थी, दुल्हा दुल्हन ने तसल्ली से बैठ के वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद यहाँ पे आके अब मैं उनको दोबारा से जो है वो लहंगा वगैरह सेटल कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हैवी ड्रेस होता है और दुल्हन बेचारी बार बार उठना बैठना उसके लिए इस ड्रेस में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जी, दूध पिलाई की रस्म की तैयारी हो गई है शुरू। मारिया को दे दिया गया है एक माइलो वाला ग्लास और अभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि नई रस्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। पहली पे भी बहुत ही मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया। इसको भी बिल्कुल अनसेंसर्ड अनकट उसी तरह से मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिस तरह से पिछला हमने रस्ता रुकाई वाला जो एक रस्म थी वो आपके साथ शेयर की थी। तो चले आए देखते हैं, यहाँ पे टीम ब्राइड जो है वो पूरी रेडी हो चुकी है, कुछ लोग और भी शामिल हो जाएंगे स्टेज पे और आगे अब दूल्हा की टीम जो है उसके मेंबर्स भी इकट्ठे हो रहे हैं। हसन के हेल्पर्स आ गए, इब्राहिम को भी आगे लाएं जी, इधर लारोश भाई के पास आ जाओ। इब्राहिम लारोश भाई के पास आ जाओ। ये वो है जो कुछ अरसा पहले मेरे साथ तुम नहीं पढ़ेंगे कोई नहीं, आज नहीं तो कल नहीं, मतलब कल ज्यादा निकलेंगे, मैं पूरी बात करूँगा तो दस रुपये आज का जो है वो काम ठीक है। आपके लिए मेहनत है
बाजी कह रही है समीना बंदे कट्ठे करने गई मैंने जी एक्सक्यूज बाजी आने पे तुसी कदे बह रहो पिछों कैमरा नहीं आना ना मैं कुछ आखना है और तुसी आ रहे हो और ना आखना नहीं दूध दूध पिलाए ना खाली गिलास ना हो ना पैसे नहीं ना दादू आप यकीन है आप यकीन है इधर आ जाना मेरे भाई चार अंक इसी लिए इधर आजकल बाजी महंगाई हो गई तुसा पता दूध बड़ा महंगा हो गया मारिया मारिया बेटा इसको सीधा होल्ड करना चाहिए नहीं इतना लारोश उसकी लिड ऊपर कर दें हाँ जेड़ा छोटी दसी फिर वही दे अम्मी कोई बोर ना कम करे बाजी 45 तो बकरा भी नहीं मिलना तेरे मेरा मसला है ना असा ज्यादा समझ आएंगे बजट ही कट कर लिए नेवी का सारा ये तो थोड़ा रीजनेबल होते हैं सारे बशार बेटे डॉलर जेब में रख के छोटी छोटी रुपयों की बातें तो नहीं करते होते मैं तो डॉलर दे रहा था लिए ही नहीं बेटे वो महीने तो ज्यादा हो गए महीने तो ज्यादा हो गए चार पाँच महीने हो गए लेकिन नहीं अच्छा कितना हो गया अम्मी तुसी ऐसा ना लो याद रखियो अम्मी तुसी ऐसा ना लो याद रखियो आने नहीं वो भी मंडी बच्ची असली बच्ची के साले तो जितने आपने दिए थे ना तीन चार हिस्सों में वो खाली हो गए नहीं 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 उससे पहले क्या कहती हो कि भाजन दीदी बच्ची करते हैं उनको बुलाया
चले मैं आ गया चले मैं यहां देर से निकल रहा हूं चलो 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 मैं गल्प कर लिए पंजी पंजी तो खत्म करो काम चलो 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 बहुत देर हो गई उन्हें लाइट अब बंद होने लगता है टाइम भी काफी है लाइट से भी बंद होना शुरू हो जाएगी 25 दे ये सरकार में या प्लस में देना जी जो कितने चलो भाई 25 25 मारिया पहले वो तो पिलाओ पहले भाई को दो हसन भाई को दो मैं जीनी हूँ हसन भाई ये तो मसला ही कोई बेटे पकड़ ले नहीं 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 चिपका हुआ नहीं 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 कोई ये मसला थोड़ा सा थोड़ा सा चिपका हुआ तो ठीक है पहले पहले नहीं जैक लगा के आधा ग्लास है बेटे पकड़ ले आधा आधा ग्लास काट नहीं वापस 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 एक मिनट बेटा पैसे भी तो आधे ही दिए ना 50 मांगे 25 नहीं आधे आधे हो गए आधा ग्लास ही मिलेगा आधे पैसों का आधा ग्लास नहीं नहीं पहले प्याना करेंगे दूध पिलाएं बाकी साहब मारिया फौरन पिला सेट मारिया बेटा कंट्रोल नहीं प्याने नहीं बेटे फुल पेमेंट आप मुझे दे मैं बड़ी दिल्ली है आपके बारे में एक सेकंड घर जाऊँ खुदा मेरा काम खत्म मेरा काम पूरा हो गया तो सिर्फ नवाज शरीफ पढ़ गए हो तो ये हैं जी मरियम की छोटी ताई जान दूल्हा वालों ने 25,000 रुपया दिया फाइनली दूध पिलाई की रस्म का और यहाँ पे ये 25,000 भी इन बच्चियों में बराबर बराबर जो है वो तकसीम कर दिया गया है तो जी ये है फाइनली रुख्सती का लम्हा जो बहुत ही मुश्किल होता है वालदैन के लिए बेटी को रुख्सत करना लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तमाम चीज़ें खैर वाफियत के साथ अंजाम पाईं अब मरियम रुख्सत होके जा रही है कहाँ पे मेस में ही क्योंकि मरियम की बुकिंग थी वहाँ पे जहाँ पे ये शादी थी उसी मेस के रूम में और हम मरियम को जो है वो यहाँ से रुख्सत करके और फिर उसको अपने रूम में छोड़ के वहाँ पर एक दो रस्में हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद फिर आपको अल्लाह हाफिज़ कहेंगे यहाँ पे जी जो करीबी अजीज़ थे वो मरियम को रूम तक छोड़ने के लिए आ गए और इसके बाद एक आध रस्म है जो कि दूल्हा के भाई ने की है रस्ता रुकाई की ये एक और रस्म है जिसमें दूल्हा का भाई या बहन कोई भी जो है वो रस्ता रोक के और दूल्हा से पैसे लेते हैं तो चलें आपके साथ वो भी अनकट शेयर करते हैं और उसके बाद हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे भाभी के भाई
चले जी, शादी हो गई है ख़त्म, रुख्सती हो गई दुल्हन की। अल्लाह ताला बच्चों को बहुत खुश रखे, अपने घर में बहुत आबाद रखे। हम अभी अभी वापस आए हैं, अब रात का 1 बज चुका है और थकन से बुरा हाल है मुझे। वहाँ बहुत से लोगों ने पूछा कि आपकी मेहंदी की वीडियो अभी तक नहीं आई। हम देखने के लिए बहुत बेचैन थे, लेकिन क्योंकि बैक टू बैक शादी के फंक्शंस हैं, एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो जैसे ही इंशाल्लाह मैं फ़ारिग होंगी, मैंने कहा मैं फिर 2-2, 3-3 दिन के गैप से वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बच्चे बहुत इन्जॉय कर। तो चलें जी, अगर आपको शादी अच्छी लग रही हो, हमारे साथ आप इन्जॉय कर रहे हो, तो हमें ज़रूर कॉमेंट और शेयर करके बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।